तो दोस्तों नमस्कार। आज की जो बड़ी खबर है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आ रहा है और दिनांक आप देख सकते हो 2 अगस्त 2019। सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सीधी भर्ती 2018 जो 12/5/2018 को आयोजित की गई थी। बोर्ड द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों के 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच और दस्तावेजों के सत्यापन हेतु सूचीबद्ध कर दिनांक 4 दिसंबर 2018 को पूर्णतः अंतिम रूप से सूचना जारी की गई थी, जिसकी बोर्ड द्वारा पात्रता की जांच व दस्तावेजों का सत्यापन करवाया गया। उक्त पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में प्रोविजनल एवं अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची इस आदेश के साथ संलग्न कर बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। सूची के नाम के सम्मुख स्तंभ संख्या 8 में दर्शाए गए कारण से अभ्यर्थी प्रोविजनल अथवा अपात्र किया जाना प्रस्तावित किया गया। अभ्यर्थी इस आदेश के वेबसाइट पर प्रकाशित होने के साथ ही उसके भीतर अपनी आपत्ति बोर्ड कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। उक्त समय अवधि के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इस अवधि में प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करते हुए सूची को अंतिम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह आपकी अंतिम जो सूची जारी हुई है, जिसमें कुछ लोगों को इन्होंने बाहर किया है। कारण क्या है, एक हम उदाहरण देखते हैं। जैसे रोल नंबर 22, 30, 63 इनको DPCS सर्टिफिकेट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, तो इनका जो है वो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार नहीं था। एक ये दूसरा देखते हैं दोस्तों, द कैंडिडेट इज़ BTech IT फ्रॉम महर्षि दया अरविंद इंस्टीट्यूट ऑन 30 सितंबर 2016, बट मार्क शीट्स ऑफ फ्रॉम 1st to 5th September आर डेटेड 23/3/2012 विच इज़ कंसिडरेबल। दोस्तों ये कुछ कारणों से इन्होंने ये सूची जारी की है 8 पेजों की, जिसके अंदर नॉट एलिजिबल कैंडिडेट जो है, पहले वाले कैंडिडेट तो दोस्तों जो है वो है प्रोविजनल कैंडिडेट्स, और दूसरी जो है जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है, इस प्रकार की इन्होंने लिस्टें बनाई है, नॉट ए नेशनल लेवल मेड लिस्ट, इस प्रकार की इन्होंने 8 पेजों की सूची बनाई है। इसमें आप अपने रोल नंबर देख सकते हैं दोस्तों, और TSP और नॉन TSP दोनों ही सूचियाँ जारी कर दी गई है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ नई नई अपडेट के लिए। धन्यवाद।